नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन होता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुदीना शरबत, जो बनाने में भी बहुत आसान है और गर्मियों में हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी ठंडा रहता है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पुदीना शरबत। पुदीना शरबत बनाने के लिए मैंने एक बाउल पुदीना लिया है, मैंने फ्रेश पुदीना लिया है, उसके पत्ते तोड़कर मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब हम एक कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे, मैंने जग का यूज किया है, पुदीना हम उसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। शरबत में मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 4 चम्मच शुगर ली है। अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ताकि ग्राइंड जो है वो अच्छे से हो जाए। मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ ग्राइंड करने में, आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम इस तरह से एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे इसका और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर एक नींबू निचोड़ेंगे। नींबू को मैंने 2 भागों में काट लिया है। फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी ठंडा रहता है। मैंने पुदीना शरबत में 2 नींबू का यूज़ किया है। हम 2 नींबू का रस डालेंगे पुदीना शरबत के अंदर और इसे आप एक दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरे दिन में इसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, इसलिए पीने में ही अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा चाट मसाला। आप इसे व्रत में भी बना के पी सकते हैं क्योंकि ये काफी ठंडा रहता है और इस में आप काली मिर्च और सेंधे नमक का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डाल देंगे और थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे। अगर आपको आइस क्यूब सूट नहीं करती है तो आप इसमें ठंडा पानी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पुदीना शरबत जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। गिलास के अंदर हमें थोड़ी सी आइस क्यूब डाल लेनी है। और थोड़े से तोड़कर पुदीना पत्ते, दोनों गिलास में हम पुदीना के पत्ते डाल देंगे, जिससे ये शरबत दिखने में भी अच्छा लगेगा और पीने में भी स्वादिष्ट लगेगा। पुदीना हमें काफ़ी ठंडक पहुंचाता है, तो गर्मियों में फ्रेंड्स हमें पुदीना किसी न किसी बहाने ज़रूर खाना चाहिए। अब हम शरबत डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पुदीना शरबत बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे पुदीना पत्ते से। देखिए फ्रेंड, हमारा पुदीना शरबत तैयार है पीने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।